जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो आज इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ तीन फोन सजेस्ट करूंगा जो 20,000 के अराउंड आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। कैमरा की नीड हो आपको, प्रोसेसर की नीड हो, या फिर आप गेमिंग बहुत ज्यादा करते हो, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी वगैरह, आपको बेस्ट तीन फोन सजेस्ट करूंगा जिसमें आपको ओवरऑल हर चीज बेटर मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले अगर मैं रियलमी के फोन की बात करूं तो रियलमी का 9 प्रो आता है मेरे पास में, 6+128 और 8+128 की 18,000 और 20,000 की दो वेरिएंट आपको अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको 120Hz की डिस्प्ले देखने मिलती है, 64+8+2 16MP का सेल्फी कैमरा, यहाँ पे IPS डिस्प्ले है, और वहीं 5000mAh बैटरी के साथ में 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन का 695 का प्रोसेसर, 5G का सपोर्ट है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है क्योंकि IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है। फोन काफी ही अच्छा गुड लुकिंग फोन है। नेक्स्ट वाले फोन की अगर मैं बात करूं तो वो आता है पोको की तरफ से, पोको X4 Pro 5G। ये काफी अच्छा बॉक्सी डिजाइन के साथ में एक पीछे ग्लास बैक ऐड किया गया है जो कि फोन को थोड़ा प्रीमियम लुक देता है। अगर मैं इसकी स्पेरियंस की बात करूं तो यहाँ पे आपको 120Hz की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई जो कि भाई इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही कमाल की बात है। कैमराज यहाँ पे 64+8+2 16MP का सेल्फी कैमरा, 5000mAh बैटरी के साथ में सबसे मेन बात आती है इस फोन में 67W का फास्ट चार्जर, भाई बहुत कमाल का फास्ट चार्जर देखने मिलता है आपको इस प्राइस रेंज में। और वही बात करूं तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 695 का प्रोसेसर, 7 5G बैंड 7 5G बैंड का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के साथ में एक बॉक्सी डिजाइन बहुत ही प्रीमियम लुक देती है इस फोन को। नेक्स्ट वाले फोन की बात करूं तो वो आता है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस नॉर्ड सीई 2 Lite 5G। काफी छोटा सा नाम है लेकिन भाई फोन ही एकदम कह सकते हो, वन प्लस की जगह आपको रियलमी का फोन फील जरूर होगा। रियलमी 9 प्रो जैसा ही लुक है, अब तो बेसिक सा फोन है, एकदम वन प्लस जैसा प्रीमियम फोन बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा, अलर्ट स्लाइडर फोन में नहीं है, लेकिन कैमरा थोड़े से अच्छे जरूर आपको मिल जाएंगे। अगर मैं इस वेरियंस की बात करूं तो 120Hz की यहाँ पे IPS डिस्प्ले देखने मिलती है, 64+2+2 16MP का सेल्फी कैमरा, यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ बेसिक से कैमरा माइक्रो और डेप्थ दिए गए हैं। 64MP जो एक कैमरा है वही आपको थोड़े से अच्छे फोटोज देगा। और वही बात करूं तो 5000mAh की बैटरी, 33W का फास्ट चार्जर, स्नैपड्रैगन का 695 का प्रोसेसर, 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है। मैंने आपको जो तीन फोन सजेस्ट किए, अगर मैं रैंक की बात करूं तो रैंक तो मैं तीनों फोन को नहीं करना चाहता, फिर भी अगर मेरी चॉइस होती है कि तीनों में से कौन सा मुझे लेना है तो मैं भाई पोको वाला फोन जो X4 Pro है वो मेरे को इन तीनों ही फोन में से सबसे ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे और 67W का फास्ट चार्जर है। Xiaomi मेरे को MIUI थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है, बाकी वालों को हो सकता है Realme MIUI वगैरह भी बेटर लगे, ऑक्सीजन OS हो सकता है काफी को बेटर लगे, लेकिन भाई IR ब्लास्टर, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, ग्लास बैक, और वो लुक भी जो है बॉक्सी डिजाइन के साथ में वो थोड़ा सा प्रीमियम फील होता है। सेकंड नंबर पे मैं लेता Realme 9 Pro और थर्ड नंबर पे OnePlus वाला हो सकता है बेटर। अगर मैं बात करूं तो अगर आपको पोको वाला फोन बेटर लगता है, आप बाय करते हो, तो भाई 6+64 मत लेना, 6+120 आपके लिए बेटर रहेगा। और अगर आप में से कोई भी Realme 9 Pro के लिए इंटरेस्टेड है, अगर आपको 20,000 के अंदर Realme 9 Pro बाय करना है तो उसका टोटल गेमिंग, कैमरा, स्पेसिफिकेशंस, टोटल रिव्यू हमने यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसी है आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, चैनल के ऊपर दिया हुआ है, तो वो भी आप एक बार जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो काफी पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मैं आपसे ऐसी ही अमेजिंग अगली वीडियो में।